नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने अर्थक्वेक प्रेडिक्शन का कुछ बात किया था और जैसे बताया था कि दो अर्थक्वेक अभी तक जैसे जानकारी में आए हैं, हालांकि और भी हुए होंगे, लेकिन हमारे देश के आसपास जो हैं अगर देखें तो चाइना में और इंडिया में दो ऐसे अर्थक्वेक थे जिसको प्रेडिक्ट किया गया था, वो सक्सेसफुल प्रेडिक्शन था वो करके। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, जैसे मैंने बताया था कि हम लोग साइस्मिक वेव्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं और क्या क्या पैरामीटर्स इस्तेमाल करते हैं और डिस्प्लेसमेंट जो होता है फॉल्ट का उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं करके। सो यूजुअली ये देखा गया है कि जब भी कोई भूकंप आता है और सडन रिलीज ऑफ द एनर्जी आपकी जो है, दैट इज़ व्हाट वी डिफाइन एज एन अर्थक्वेक, तो वो एक सरफेस पे कोई एक्सप्रेशन दिखा बनाता है करके, दैट व्हाट वी कॉल द मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्रिस्टल डिफॉर्मेशन ऑन द सरफेस एक्चुअली। तो नॉर्मल फॉल्टिंग जब होता है, जब आपका मतलब एक जो ब्लॉक है, ये मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए कि आपके आपने ये एक ब्लॉक ले रखा है करके और ये आपका प्लेन है और अभी यहाँ पे कोई कोई भी मूवमेंट आपको नज़र नहीं आ रहा है करके, तो ये हमने आगे देखें अगर कि ये ब्लॉक अगर नीचे गया तो इसको हम लोग हैंगिंग वॉल कहते हैं और ये आपका जो फुट वॉल होगा ये स्टेशनरी वॉल होगा और जो फॉल्ट है वो आपका यहाँ पे है, ये आपका फॉल्ट प्लेन है जो कि हम लोग सेक्शन में देखेंगे और सरफेस पे ये जो है ये फॉल्ट एक्सप्रेशन आपका जो होगा ये फॉल्ट लाइन हम लोग कह सकते हैं करके। लेकिन जब इसमें डिस्प्लेसमेंट देखेंगे हम लोग करके, तो अगर हम लोग इसको देखें कि डिस्प्लेसमेंट जब हो रहा है तो इसको कैसे नज़र आएगा, तो मान लीजिए कि ये ब्लॉक आपका नीचे गया है करके, सो देन व्हाट यू हैव इज दैट आपके पास ये हम लोग देखें मोटा मोटा, तो हमारे पास ये जो है इस तरह का कुछ हमको बनेगा। तो ये पोर्शन जो है आपका, ये पोर्शन एक्सपोज हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे फॉल्ट स्कार्प एक्चुअली, और ये टेक्टोनिक फीचर है जो कि इसमें दिखाया गया है। तो ये आपका जो है ये फॉल्ट ट्रेस है आपका, ये आपका जो हो जाएगा फॉल्ट ट्रेस हो जाएगा सरफेस पे और ये जो है आपका फॉल्ट स्कार्प हो जाएगा। और अर्थक्वेक का यूजुअली ये देखा गया है कि जो सरफेस जो जहाँ से भी ओरिजिनेट होता है उसको हम लोग कहते हैं फोकस, और जहाँ पे सरफेस के ऊपर एग्जैक्टली ऊपर उसको लोकेट करते हैं तो उसको कहते हैं एपिसेंटर। तो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि कितने अर्थक्वेक्स और आए हैं और कितनी डेप्थ पे आए हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उससे जो है ये भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किस फॉल्ट पे ये अर्थक्वेक्स आ रहे हैं करके। तो ये तो एक बात हुई आपकी फॉल्ट स्कार्प, फॉल्ट ट्रेस क्या होता है, एपिसेंटर फोकस क्या होता है। तो हाइपोसेंटर या फोकस कह लो आप इसको, इज़ ए पॉइंट ऑन फॉल्ट प्लेन विच स्लिप वेयर द स्लिप इनिशिएट, मतलब यहाँ पे आपका स्लिप होना शुरू होता है, और ये स्लिप जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये स्लिप तभी पॉसिबल है जब आपका अर्थक्वेक आता है करके और जो सडन रिलीज ऑफ द एनर्जी होता है करके आपका। तो फोकस और एपिसेंटर के बारे में भी हमने देख लिया, फॉल्ट स्कार्प और फॉल्ट ट्रेस के बारे में भी देख लिया, तो आगे देखते हैं कि इसका क्या है करके। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि डेप्थ जो है वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है करके, क्योंकि अगर आपके पास अर्थक्वेक जो है, हालांकि हम नेक्स्ट कपल ऑफ स्लाइड्स में हम लोग बात करेंगे, अगर आपके पास शैलो अर्थक्वेक्स हैं तो काफ़ी घातक होंगे करके, ये डेंजरस हैं आपके, ये काफ़ी घातक होंगे, तो ये भी ध्यान में रखा जाता है कि ये क्या आपका शैलो अर्थक्वेक है या डीपर अर्थक्वेक है करके, तो ये भी देखा गया है करके। मान लो कि अब ये एक
ये आपका जो देख रहे हैं हम लोग प्लान व्यू देख रहे हैं करके, ये प्लान व्यू में ये दिखाया गया है कि ये सरफेस के ऊपर, मतलब अगर हम लोग ये इस तरह का एक स्केच कर लें जो पहले हमने किया था करके, तो उसको अगर हम लोग देखें, या तो हम लोग पिछली वाली स्लाइड्स में ही चले जाते हैं अगर, तो इसमें ही हम लोग अगर देखते हैं, मान लीजिए आपका आपका जो भूकंप है वो यहाँ कहीं पे आया करके, ये आपका फोकस था, और या तो हाइपोसेंटर कह लो या फोकस कह लो, ये फोकस है, तो यहाँ पे आपका कोई ये सरफेस पे आपका एपिसेंटर है करके, ये आपका एपिसेंटर हो गया यहाँ पे, तो ये एपिसेंटर है आपका, तो ये आपका फॉल्ट से कितना दूर है वही दर्शाया गया है करके। तो इससे हम लोग अगर देखें कि फॉल्ट ट्रेस अगर मिलता है तो हम लोग इजीली इसका ये डेप्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप करके। तो यही चीज़ आपकी इसमें दिखाई है, तो आपका फॉल्ट एंगल आपके पास है अगर, तो आप इसकी डेप्थ भी कैलकुलेट, हालांकि ये जो प्रोसेस है पूरा जो हाइपोसेंटर का पता लगाने का, आजकल ये इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो जाता है, ये कंप्यूटर पूरा हमको करके दे देता है तुरंत। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है करके। ये जो मैप है ये 2001 का जो भूकंप आया था, 2001 भुज अर्थक्वेक था, जो ये गुजरात में हुआ था, ये भी काफ़ी मतलब डैमेजिंग अर्थक्वेक था। तो ये देखा गया कि ये जो बड़ा ये भूकंप आया इसका मेन शॉक ये था, और आफ्टर शॉक जो हैं वो कुछ इस एरिया में इस तरह से फैले हुए हैं करके। तो ये आपका जो है दिखाया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो ये आपका मैप व्यू है, प्लान व्यू जो कि हम लोग देख रहे हैं। तो इससे भी ये लोग जो हैं जो साइस्मोलॉजिस्ट हैं और जियो फिजिस्ट हैं, इससे पता लगाते हैं कि ये कहाँ कितनी डेप्थ पे हो रहा है और कितना एरिया जो है वो डैमेज हुआ है, इन टर्म्स ऑफ रप्चर हम लोग कहेंगे करके। अब रिकरेंस ऑफ अर्थक्वेक्स ड्यू टू स्ट्रेस डेवलप्ड बाय टेक्टोनिक फोर्सेस, ये यूजुअली देखा गया है कि ट्रिगर्ड स्ट्रेसेस भी होते हैं, और ट्रिगर्ड स्ट्रेस क्या होते हैं करके, कि मान लीजिए कि आपके पास एक फॉल्ट लाइन है यहाँ पे और दूसरी फॉल्ट लाइन यहाँ कहीं पे बैठी है उसके आसपास है करके, तो वो हो सकता है कि अगर इस फॉल्ट लाइन पे आपका जो स्ट्रेस या तो स्ट्रेन जो एनर्जी था वो रिलीज हुआ, लेकिन दबाव के कारण मान लीजिए कि डिफॉर्मेशन जो ऑनगोइंग डिफॉर्मेशन है उसके कारण ये सारे फॉल्ट्स पे, ये मतलब ये 1, 2, 3 ले लें, ये सारे फॉल्ट पे दबाव बन रहा है, मतलब आपका स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, इसमें एक्यूमुलेट हो रहा है। तो अगर मान लो कि इसमें रिलीज़ हुआ लेकिन इसमें नहीं हुआ, आपका वन पे हुआ सेकेंड पे नहीं हुआ, तो लेकिन हो सकता है क्योंकि इस पे भी अवेलेबल है स्ट्रेन, तो ये सेकेंड वाले को ट्रिगर कर देगा, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रिगर स्ट्रेसेस एक्चुअली। सो ये कहा गया है कि अगर मान लो कि स्मॉल पार्ट ऑफ स्ट्रेसेस आर रिलीज्ड विच वेर एक्यूमुलेटेड स्लोली व्हेन द अर्थ्स प्लेट मूव्ड टूवर्ड्स और पास्ट ईच अदर, तो ये एक आपका स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। सिंस द अर्थक्वेक ड्रॉप्ड द स्ट्रेस ऑन द फॉल्ट, मतलब जो एक फॉल्ट पे अगर अर्थक्वेक आ गया तो वो एरिया में आपका जो है वो स्ट्रेस या तो हम लोग कहेंगे एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी, कि वो एनर्जी जो है अक्यूमुलेटेड थी वो रिलीज हो गई, तो वहाँ पे तुरंत भूकंप आने की संभावनाएं घट जाएंगी करके। लेकिन जिस एरिया में नहीं आया है उस एरिया में आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो ये एक चीज़ जो है, क्योंकि यहाँ पे जब एनर्जी रिलीज हुई, एक हमने पिछले लेक्चर में हमने बात की थी जो कि आपका जो एक टाइम फ्रेम है हमारे पास अगर, तो हम लोग ले रहे हैं कि तो ओवर द टाइम अगर हम लोग इसको ले लें कि आपका जो ये कर्व था हमारा, कि ये टाइम ये स्ट्रेन ये स्ट्रेस डेवलप हो रहा है या स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, और टाइम आएगा तो ये रिलीज़ होगा, फिर से यहाँ पे स्ट्रेन या तो स्ट्रेस बिल्डअप होना शुरू होगा, फिर ये ड्रॉप होगा यहाँ पे। तो ये जो हैं ये आपके अर्थक्वेक्स हैं करके, ये आपके अर्थक्वेक्स हैं। और एक और भी हमने बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि ये बीच में कहीं पे आपका रिलीज़ हो गया करके, तो ये स्मॉलर अर्थक्वेक्स की वजह से रिलीज़ हुआ यहाँ पे, तो इसका थोड़ा सा टाइम जो फ्रेम है वो बढ़ जाएगा करके। अगर हम लोग ये कहते हैं कि इसका जो रिकरेंस इंटरवल है वो करीब करीब सेम है, तो हमारे पास इस तरह का कुछ
ये आएगा करके। तो ये जो हैं ये सारे अर्थक्वेक्स हैं, ये भी एक अर्थक्वेक है आपका यहाँ पे, ये भी एक अर्थक्वेक है, लेकिन ये उतना मैग्नीट्यूड, क्योंकि एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ हुई है वो सेम नहीं है यहाँ पे। तो यूजुअली जो एनर्जी एक्यूमुलेट होती है उसको समय लगता है, वो 1000 साल या 100 साल, 200 साल, 400 साल का अंतराल रहता है। ये एक एक देखा गया है यूजुअली जो स्टडीज़ हुई हैं उसके बीच में, कि इसका इस बीच में जो भी इसका टाइम गैप क्या रहता है करके। बट एन अर्थक्वेक विल अकर एल्सवेयर, दैट इज़ वॉट जो जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये जहाँ पे भूकंप नहीं आया है वहाँ पे आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो मान लीजिए कि फॉल्ट नंबर 1 पे आपका भूकंप आ चुका है, 2 पे और 3 पे नहीं आया, तो यहाँ पे आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, इसमें कम होगी करके। सो द एरिया वेयर द स्ट्रेस इज बिल्डिंग अप विल बी द साइट्स फॉर द नेक्स्ट अर्थक्वेक टू अकर, बोथ लार्ज एज वेल एज स्मॉल मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। तो ये दो, ये जो फॉल्ट लाइन्स हैं, फॉल्ट 2 और 3 जो है वो उसमें आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरह इसीलिए ये देखा गया है कि हमें जो है फॉल्ट लाइन्स बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करनी चाहिए और उसके बारे में पता लगा। अगर GPS स्टेशंस भी लगे हैं हमारे यहाँ पे इसके अक्रॉस, तो हमको ये भी पता लग जाएगा कि ये जो है ये एरिया में अभी क्या स्थिति है स्ट्रेन की करके, कितना दबाव हो चुका है करके। सो लोकेशन ऑफ अर्थक्वेक्स यूजुअली एक बहुत ही सिंपल तरीके से किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट है उसको सेइस्मोग्राम कहते हैं, और जो रिकॉर्ड जिस पे मिलता है, जो ग्राफ पे हमको मिलेगा, जो पेपर पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसको सेइस्मोग्राम कहते हैं। तो सेइस्मोग्राफ जो है वो इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया, और जिस पे रिकॉर्डिंग होती है वो आपका सेइस्मोग्राम कहा गया है करके। अब इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, बेसिकली जो है मैंने जो पिछली बार भी आपसे बात की थी कि हम लोगों का जो सेइस्मिक वेव्स है, अराइवल टाइम है जैसे सेइस्मिक वेव्स का, उसको देखा जाता है करके। तो यहाँ पे आपके जो हैं पी एंड एस वेव को, इसका ट्रैवल टाइम जो है और कब ये पहुँचा उस स्टेशन पे, उसको देखा जाता है। और सो इसको अगर आप जैसे हमने कहा था कि जो पी वेव है वो आपका पहले आएगा, फिर आपका जो है एस वेव आएगा, फिर सरफेस वेव्स आएंगे। तो इसका अराइवल टाइम से डिफरेंस से आप एक ये लगा सकते हैं, प्लस द एम्पलीट्यूड भी आप देख सकते हैं करके। इसको देखते हैं आगे कैसे मेजर किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका जो अराइवल ऑफ साइस्मिक वेव्स जो हैं पी एंड एस वेव। और दूसरा ये देखा गया है कि जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग है या तो आप कह लो कि सेइस्मोलॉजिस्ट हैं, वो और भी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि आपका ग्राउंड एक्सेलरेशन, ग्राउंड कैसे अफेक्ट हुआ। तो आपके दो और यूनिट्स हैं वो ज़्यादातर रखे जाते हैं, जो कि हेल्प करते हैं कि आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन कैसा रहा उस समय। और ये क्यों मेजर किया जाता है, क्योंकि ये सारे जो मोशंस हैं वो हमको अंदाज़ा देंगे कि फ्यूचर अर्थक्वेक आया तो इसमें यहाँ पे क्या कंपन होगी, किस तरह की होगी। और क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और लैटरल हम लोग जो बात करते हैं कि जो हॉरिजॉन्टली हुआ जो हमारा, वो क्यों देखा जाता है वो, और वो इसलिए है क्योंकि इस तरह के मोशंस हमको मिलेंगे जो हमने पहले देखा कि कंप्रेशन आपको मिल सकता है, शेयरिंग मोशन हो सकता है आपका, एलिप्टिकल हो सकता है आपका, साइड बाई साइड लैंड को मूव करेगा। तो ये सारे जो मोशन है टाइप ऑफ वेव्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स से जनरेट होते हैं, तो वो हमको इस तरह के मोशंस जनरेट करेंगे। तो ये भी देखा गया है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या होता है। तो ऑल्दो द सेइस्मोग्राफ स्टेशंस नाउ रिकॉर्ड अर्थक्वेक वेव डिजिटली, अ रिकॉर्डिंग ड्रम्स सेइस्मोग्राफ इज स्पेशली यूजफुल विजुलाइजिंग नेचर ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, their amplitude, wavelength and frequency of vibration. Different seismographs are used to measure, for example, horizontal versus vertical motion. तो ये जो है ये important है। तो छोटे भूकंप आएंगे जो magnitude कम होगा उसमें इस तरह की कंपन जो है vertical horizontal movement कम देखा जाएगा, लेकिन large magnitude होंगे तो उसमें उसका effect अलग होगा। तो ये basically जो shaking से related है, ग्राउंड वाइब्रेशंस और शेकिंग से रिलेटेड है, उसको देखा जाता है इसमें करके। अब आते हैं कि अगर हमारे पास ये रिक्टर स्केल है जो कि लॉगरिथमिक स्केल बनी थी, और उसमें उसके बेसिस पे इन लोगों ने
ये आप मैग्नीट्यूड इमिडिएटली कैलकुलेट कर सकते हो। हालांकि अभी स्केल्स और भी आ गई हैं, और सबसे बेहतरीन स्केल जो मानी गई है वो है मोमेंट मैग्नीट्यूड, जो है MW कहते हैं उसको। तो इसमें क्या देखा गया है कि आपके पास पी वेव का अराइवल टाइम क्या है और एस वेव का अराइवल टाइम क्या है, ठीक है। तो ये देखा गया कि इसके बीच का डिफरेंस जो है उसको लिया गया है, तो इसका बीच का डिफरेंस जो है वो 24 सेकंड्स है आपका। फिर दूसरा जो लिया जाता है आपका एम्पलीट्यूड, तो एक तो आपका टाइम लिया गया अराइवल टाइम और इसका डिफरेंस लिया गया आपका पी एंड एस वेव का, और दूसरा जो लिया गया वो एम्पलीट्यूड लिया गया कि उसका एम्पलीट्यूड क्या रहा करके। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड मिला एस वेव का वो 23 मिलीमीटर है। तो ये आपका जो है ये लॉगरिथमिक स्केल है आपके पास यहाँ पे। तो इसको अगर यहाँ पे लिया, यहाँ पे ये आपका जो आया करके ये आपका सेकंड्स में है, तो ये आपका करीब करीब जो यहाँ पे आया आपका 24 सेकंड आया आपका, ये 24 सेकंड्स हैं आपका यहाँ पे, और ये एम्पलीट्यूड था वो आपका 23 मिलीमीटर का है। तो इसको जब आप लाइन कनेक्ट करेंगे तो ये आपको दे देगा मैग्नीट्यूड आपका। सो ये एक सिंपल तरीका है जो रिक्टर स्केल जिसको जिसमें यूज़ किया गया कि आपका अराइवल टाइम और एम्पलीट्यूड के बेसिस पे आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं करके। जैसे मैंने कहा कि आजकल जो है ये डेप्थ भी काफ़ी सटीक और बहुत जल्दी बता देता है, जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की है किया गया, और आपके पास ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही जल्द आपके मोबाइल में भी आ गई। अगर आप रजिस्टर्ड हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से या तो लेबोरेटरी से, तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन तुरंत आएगी करके, दुनिया में कहीं पर भी भूकंप हो रहा है करके। अब रिक्टर स्केल का जो है ये दिखाया गया है इसमें कि मान लो कि 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, तो ये एनर्जी भी हम लोग इससे एनर्जी को भी कोरिलेट कर सकते हैं कि इतना फ़र्क पड़ता है 5 मैग्नीट्यूड और 6 मैग्नीट्यूड का। हालांकि इसके बीच का जो अंतर है वो एक ही मैग्नीट्यूड का है। तो ये एक मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है अगर वेरी करता है, तो इसमें आपके पास एम्पलीफिकेशन जो है और इसकी एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो कितना होगा। तो यहाँ पे ये दो आपको इसके रिकॉर्ड्स दिखाए गए हैं जो कि सिस्मोग्राम में है करके। तो ये सिस्मोग्राम जो हैं आपके जो दिखते हैं करके, इसमें क्या है, एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 रजिस्टर्ड विथ 10 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड एज अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 5 फ्रॉम द सेम लोकेशन। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर एक मैग्नीट्यूड आप इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका जो डिफरेंस देखा गया सेम जगह, एक ही जगह पे ये सेम मतलब एक ही जगह पे सेम जगह पे हमारे दो तरह के मैग्नीट्यूड आए, दो तरह के मैग्नीट्यूड का वो था जिसमें अंतराल था, हालांकि एक ही मैग्नीट्यूड का है जो डिफरेंस है। लेकिन जो 6 मैग्नीट्यूड का है अगर कंपेयर किया जाए 5 मैग्नीट्यूड से, तो वो 10 टाइम्स ज़्यादा एम्पलीट्यूड था उसका करके। तो ये एक सिंपल सा एक कंपैरिजन है कि इसमें जो एक मैग्नीट्यूड भी अगर वेरी होता है, हम लोग कहते हैं यार 8-9 का आएगा, लेकिन 8 का और 9 के आने में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रिलीज आल्सो करके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने कहा कि एक आसान तरीका है जो कि अगर हमारे पास ये अर्थक्वेक को लोकेट करने का, तो ये देखा गया है और ये प्रैक्टिस में भी है कि मिनिमम 3 स्टेशंस जो हैं आपको चाहिए होंगे करके टू लोकेट अर्थक्वेक एपिसेंटर। टू लोकेट अर्थक्वेक एपिसेंटर हमारे पास एटलीस्ट 3 स्टेशंस होना बहुत ज़रूरी है। और अगेन इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास अवेलेबल कर्व्स हैं ये, और इस और हम लोगों को एक तो हम लोग देखते हैं अराइवल टाइम और दूसरा जो है हमारा एम्पलीट्यूड, ये दोनों चीज़ को हम लोग लेंगे करके इस बेसिस पे। और मेनली अराइवल टाइम से भी हम लोग इसका लोकेशन पता लगा सकते हैं और किस कितने डिस्टेंस पे हुआ है। तो 3 स्टेशंस हैं, तो इसको हम लोग जब प्लॉट करते हैं ग्राफ उस पर जो मैप पे, तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है आपका जो बताएगा कि आपका अर्थक्वेक कहाँ पे हुआ है करके।
तो ये जो है पोर्शन आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है करके। आगे बढ़ते हैं, लोकेटिंग अर्थक्वेक अगेन। तो ये एक रिकॉर्ड है जो कि तीन स्टेशन से आया है करके आपका, और ये तीन स्टेशन आपके जो हैं, ये आपका एक स्टेशन ये वाला है जो कि आपके पास यहाँ पे है, TEIG है करके, फिर दूसरा है SOCCO, ये है आपका, और SSPA है, तीन स्टेशंस हैं करके। और ये तीनों स्टेशंस जो हैं ये जो आपस में करीब नहीं है, काफ़ी दूर हैं करके। तो आप अगर ध्यान से इसको दोनों चीज़ों को देखें करके, तो पहले तो हमारे पास यही रिकॉर्ड आएगा जो कि इस तरफ दिखाया गया है लेफ्ट लेफ्ट साइड में, कि जो स्टेशंस एपिसेंटर से करीब थे उसमें पी वेव और एस वेव का अराइवल डिफरेंस बहुत कम था। जैसे इसमें जो था आपका 1.5 मिनट्स का है, और इसका 3 मिनट्स का है, और यहाँ पे जो है 5 मिनट का है। ये डिफरेंस है आपका पी एंड एस वेव का अराइवल का डिफरेंस है। और यही चीज़ आप अगर इसमें कंपेयर करेंगे कि इसका डिस्टेंस भी यहाँ पे बढ़ रहा है करके, ये 3300 किलोमीटर्स है, ये 1800 किलोमीटर्स है, और ये आपका 900 किलोमीटर्स है। तो ये चीज़ भी हमको पता लगेगी। अगर मान लीजिए किसी स्टेशन पे हमारा पी एन एस वेव का अराइवल बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हो रहा है, तो हमको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ये अर्थक्वेक जो है इस स्टेशन जो है सेस्मिक स्टेशन उसके बिल्कुल करीब हुआ है। तो ये एक चीज़ और भी देखी गई है कि द डिफरेंस इन अराइवल टाइम बिटवीन एस पी एंड एस वेव रिवील्स दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेस्मोग्राफ टू एन अर्थक्वेक, ये आपका ये देखा गया। तो और जैसे मैंने कहा कि तीन स्टेशंस का अगर आपके पास डेटा है तो आप इसका एपिसेंटर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट इज़ बेसिकली हम लोग यहाँ से इसका रेडियस लेते हैं करके। तो ये आपका उस बेसिस पे आपने जो ये डिस्टेंस आपका है इसको आपको रेडियस उसमें कैलकुलेट किया है करके और उसको प्लॉट कर दिया। तो ये जो है द सर्कल ऑफ डिस्टेंस टू द अर्थक्वेक ड्रॉन फ्रॉम एटलीस्ट 3 सेस्मोग्राफ स्टेशंस लोकेट अर्थक्वेक ऑन अ मैप। इन दिस केस मैक्सिकन ट्रेंच में आपका अर्थक्वेक आया था ये वाला करके। तो ये एक मतलब एग्जांपल जो है, ये एक्सपीरियंस्ड एग्जांपल है जो रिकॉर्डेड एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे करके। और ये देखा गया है कि जैसे जैसे आपका इंटरवल आपका बढ़ेगा पी एन एस वेव का, उसमें आपका एपिसेंट्रल डिस्टेंस जो है डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर वो भी ज़्यादा होगा करके। ये भी एक वही सेम एग्जांपल है जो कि हम लोग अब लेकिन आगे बढ़ते हैं इसमें, कि तीन स्टेशंस दिए गए हैं और बेसिस उसके बेसिस पे आपका ये लोकेट किया है। तो द ग्राफ ऑफ द ट्रैवल टाइम वर्सेस डिस्टेंस इज कॉल्ड ट्रैवल टाइम कर्व, ये जो है आपका जो है हम लोग कह रहे हैं इसको ट्रैवल टाइम कर्व है करके। तो ये ऑलरेडी हमने आपको बात की है, लेकिन ये वाली जो बात है कि पी वेव ट्रैवल ऑलमोस्ट ट्वाइस, ये वाली ऑलरेडी हमने बात की है कि एस वेव पी वेव पहले आती है, एस वेव ज़्यादा आती है, ऑलमोस्ट ट्वाइस है ये इसका। अब जो है एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट आती है, वो है कि मूवमेंट किस तरह से हुआ है। तो जैसे हमारे पास जो है वो तीन तरह के फॉल्ट्स हैं हमारे, हम लोग देखते हैं यूजुअली, जो कि हम लोग आगे अगर वक्त मिला तो हम लोग उसको देखेंगे करके। लेकिन अगर हम लोग एक जनरल ब्लॉक डायग्राम्स देखते हैं करके, तो कैसे होता है, एक हमारा होता है कि कॉम्प्रेशनल टेक्टोनिक एनवायरनमेंट है हमारा, फिर एक होता है हमारा एक्सटेंशन है, और तीसरा जो होता है वो स्ट्राइक स्लिप है हमारा। तो ये जो है आपका अगर कंप्रेशन लेते हैं, तो जिसमें हम लोग इसको दो ब्लॉक्स को जो है या तो ये कंप्रेशन में रहता है, एक्सटेंशन में ये आपका मूव करेगा, और स्ट्राइक स्लिप में जो है वो एक हम लोग कहेंगे इसका कि ये सिंपल शेयर होता है करके इसको। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो ब्लॉक होगा ये कंप्रेशन वाला जो है, उसमें जो होगा कि एक जो हैंगिंग वॉल है वो ऊपर मूव करेगा करके। तो मैं एक सिंपल सा वो बना देता हूँ करके यहाँ पे। तो आपका जो कंप्रेशन में होगा तो आपके पास जो है ये ब्लॉक जो है ये ऊपर मूव करेगा आपका,
ये ब्लॉक मूव किया ऊपर, तो ये इस तरह से मूव करेगा, ऊपर जाएगा करके, और आपका नॉर्मल एक्सटेंशन हम लोग जो कहते हैं, तो इसमें जो है ये ब्लॉक जो है आपका ये नीचे मूव करेगा आपके पास। और स्ट्राइक स्लिप में अगर मेनली होता है तो हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी ब्लॉक है जो ये आपका, अगर ये ले लें तो मान लीजिए कि आपके अलॉन्ग दी फॉल्ट जो है, ये फॉल्ट है आपका, ये मूवमेंट इस तरह से करेगा। तो ये तीन तरह के हमारे पास डिफॉर्मेशन पैटर्न है जो कि हम लोग ये देखते हैं। ये पहले वाला जो है आपका कॉम्प्रेशन का है, ये कॉम्प्रेशन है, ये आपका एक्सटेंशन है, ये तो, और इसमें जो जो ज़्यादातर हमको रिवर्स फॉल्ट मिलेंगे, और या तो हम लोग इसको कहते हैं थ्रस्ट फॉल्ट। ये हम आगे देखेंगे इसको करके। और ये जो एक्सटेंशन है इसमें हम लोग नॉर्मल फॉल्ट्स देखते हैं हम लोग करके, और यहाँ पे हम लोग स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स देखते हैं करके। तो अगर इसको लेते हैं तो ये मोशन कैसे पता लगाया जाता है कि ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड आता है जो हमारे पास सेस्मिक स्टेशन पे, जो फर्स्ट अराइवल है आपका, तो वो क्या है, और सेकेंड जो फर्स्ट आएगा वो हमेशा देखा गया है कि वो ये जो है इसको आपका पुल टूवर्ड्स द एपिसेंटर, मतलब ये एपिसेंटर अगर मान लो यहाँ पे है तो ये कंप्रेशन इसमें होगा, और ये इसमें जो होगा पुश अवे फ्रॉम द एपिसेंटर, तो ये ज़्यादातर ये एक्सटेंशन होगा यहाँ पे। तो ये एक्सटेंशन है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे जो है कंप्रेशन है करके, तो ये देखा गया है। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग इसको कंसिडर करते हैं ये फॉल्ट, ये प्लेन को, तो ये देखा गया है कि ये जो मोमेंट होगा यहाँ से आपका कंप्रेशन है यहाँ पे, और ये आपका एक्सटेंशन है यहाँ पे, ये बाहर की तरफ जा रहा है करके, ये ब्लॉक मूव करेगा क्योंकि ये नेगेटिव आपका, ये पॉजिटिव नेगेटिव इसको अगर हम लोग मान लें कि फर्स्ट वेव नेगेटिव था और ये सेकंड वेव जो है यहाँ पे जो है ये फर्स्ट वेव आया वो आपका ये है। तो फर्स्ट मोशन हर स्टेशन पे देखा जाएगा करके, फर्स्ट मोशन जहाँ पे भी है, तो ये फर्स्ट मोशन इस स्टेशन पे मान लो ये स्टेशन जो था इसमें पॉजिटिव था आपका, लेकिन इस स्टेशन पे नेगेटिव है आपका ये फर्स्ट मोशन आपका यहाँ पे, ये फर्स्ट मोशन। तो ये फर्स्ट मोशन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मतलब ये कंप्रेशन पैदा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दो जो स्टेशन आए आपके, तो मान ली उसमें देखा गया कि ये आपका ये, और ये मोशन जो है हमारा स्लिप किस तरह से हुआ उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मिनिमम हम लोग चार स्टेशन को लेके अगर इसमें बात करते हैं तो ये हमको पता लग जाएगा कि कौन सा एरिया में क्या मूवमेंट हुआ है, तो और किस तरह की जो मोशन है वो हमको रिकॉर्ड हुआ है, क्या नेगेटिव था या ये पॉजिटिव था करके। सो पॉजिटिव है तो वो आपको अवे फ्रॉम दी, सो एक्सटेंशन होगा यहाँ पे, तो इसका जो मूवमेंट होगा वो इस तरह से देखा जाएगा। अब मान लो कि इसी कंडीशन में, मतलब आपके पास यही कंडीशन सेम रही, और आप जो हैं वो उसका दो दूसरा सिनेरियो देखना चाहते हैं, अब अगर इसमें, तो अगर मान लो कि हम लोग इसमें सोच कहते हैं कि चलो ये वाला हम लोग अगर फॉल्ट प्लेन लेते हैं करके, तो ये फॉल्ट प्लेन लिया जहाँ ये वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि फॉल्ट कहाँ है, फॉल्ट लाइन कहाँ है, फॉल्ट रेस कहाँ है। अब अगर देखें कि हम लोग अगर यही पूरा कंडीशन रखें जो कि फर्स्ट वेव अराइवल और सेकेंड डिफरेंट स्टेशन पे, और ये सेम रहे हमारा कि यहाँ पे नेगेटिव आया था यहाँ पॉजिटिव आया था, और हम दूसरा सिनेरियो अगर लेते हैं जहाँ पे हमने मान लीजिए कि सेकेंड सिनेरियो जो लिया ये यहाँ पे लिया हमने, ये फॉल्ट लिया, और ये कब हम लोग करेंगे जब हमारे पास पता ही नहीं है क्योंकि फॉल्ट ट्रेस कहाँ पे है, फॉल्ट लाइन कहाँ से पास हो रही है, तो उस कंडीशन में हम लोगों के पास एक ऑल्टरनेटिव मतलब वो होना चाहिए कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो यहाँ कंडीशन सेम है आपकी, यहाँ पे आपका कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ एक्सटेंशन हो रहा है, तो इस सिचुएशन में आपका ये वाला पोर्शन है क्योंकि ये यहाँ से एक्सटेंशन हो रहा है, तो ये मोमेंट आपका ये दिखाएगा, ये लेफ्ट लेटरल दिखाएगा आपका, तो ये लेफ्ट लेटरल हो गया आपका, और ये आपका यहाँ पे हो गया राइट लेटरल। सो ये अमूमन ये भी हम जो बात कर रहे हैं ये भी आजकल काफ़ी मतलब जल्दी आपको फॉल्ट प्लेन, इसको हम लोग कहते हैं फॉल्ट प्लेन सॉल्यूशंस एक्चुअली, तो ये फॉल्ट प्लेन सॉल्यूशंस जो हैं ये भी आजकल हम लोगों को बहुत ही
जल्दी मिल जाते हैं, ये बेसिकली हम लोग इसको कहते हैं फॉल्ट प्लेन सॉल्यूशंस, और ये फॉल्ट मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो काफ़ी जल्दी मिल जाते हैं, जैसे हमने कहा कि प्रोग्रामिंग के थ्रू ये कुछ ही समय में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है और हमको पता लग जाता है कि स्लिप किस तरह का हुआ है, क्या वो कॉम्प्रेशनल टेक्टोनिक में था या तो नॉर्मल फॉल्टिंग था या तो स्ट्राइक स्लिप्स था। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए जान के लिए। तो हम लोग आज यहीं रुकेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर और बात करेंगे इसके ऊपर। शुक्रिया, धन्यवाद।